दोस्तों, अगर आपका भी विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बार बार अपडेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप या फिर पीसी बार बार स्लो हो जाता है या फिर आपका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे दो मेथड बताने वाला हूं जिसे अप्लाई करने के बाद आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑटो अपडेट को परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को यूज करते हैं और आप भी अपने विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के विंडोज ऑटो अपडेट को परमानेंटली ऑफ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर से देखिएगा। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं 98% लोग जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप भी देख लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप दबा दीजिए। दोस्तों, आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के विंडोज 10 के ऑटो अपडेट को बंद करने के लिए दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। फर्स्ट मेथड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले विंडोज आइकन पे क्लिक करना है, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होता है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा विंडोज अपडेट का। आपको सिंपली इसी पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप विंडोज अपडेट पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको यहां पर दिखने लगेगा जो भी अपडेट्स यहां पर पेंडिंग है या फिर जो भी अपडेट्स यहां पर डाउनलोड हो रहे हैं, सभी आपको यहां पर दिखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी विंडोज अपडेट को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं वो पॉज हो जाएंगे, लेकिन अभी 7 डेज के लिए होंगे। इन्हें आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको डेट्स दिख रही हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो भी डेट है उस वहाँ तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अपडेट्स हैं ये 12 मई तक यहाँ पर पॉज आपको दिख रहे हैं। इसके बाद जब तक ये 12 मई आएगी, इससे आगे आप दोबारा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मेथड। जब वो अप्लाई कर देंगे तो आपको फर्स्ट मेथड भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड मेथड क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो आइकन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सर्विसेज। जैसे आप सर्विसेज सर्च करते हैं, आपको एक बार इंटर प्रेस करना है। जैसे आप सर्विसेज यहाँ पर ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे एक बार इसे स्लाइड करना है। जैसे आप इसे नीचे स्लाइड करते हुए जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विंडोज अपडेट। आपको इसी पे एक बार डबल क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है आपको यहाँ पर रनिंग दिख रहा है, और जब इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार स्टॉप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो अभी रन हो रहा था वो यहाँ पर अभी स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार डिसेबल पे आपको एक बार क्लिक करना है। डिसेबल पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज अपडेट है वो यहाँ पर डिसेबल मैंने कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी अपडेट्स आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा। और जब भी आप इसके जो ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से क्लिक करने के बाद स्टार्टअप टाइप में आप ऑटोमेटिक या फिर यहाँ पर डिले स्टार्ट पे आप क्लिक करने के बाद आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप पीसी दोबारा एक तरह फिर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप पीसी में विंडोज ऑटो अपडेट को परमानेंटली ऑफ करना चाहते हैं, तो आप इस पर डिसेबल पे ही क्लिक करके रखिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑटो अपडेट को परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लोग भी विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को यूज करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।